नक्शी मोबाइल आ गया है, टेक्निकल युग आ गया है। अभी जवान लोग को देखिएगा तो सबसे पहले उनको मोबाइल चलाने का ज्ञान नहीं। अपने मम्मी हो, पापा हो, दादी हो, दादा हो, गुरु भैया बोलते धराते थे बोल मरवा कहाँ से आगे देखिए देखे कर मैसेज। इनका अर्थ है कि पहले टेक्निकल युग नहीं था, इसलिए उनको परेशानी हो रहा। जैसे जैसे दुनिया बढ़ा आगे की तरफ, टेक्निकल की तरफ लोग बढ़ता चला गया। आज के ज़माना में हर जगह टेक्निकल जरूरी है। जैसे मान लीजिए जब कोई लड़का के पास अगर पैसा नहीं है तो वो आईटीआई करता है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करता है, कब C++ करता है, PCA करता है, टैली करता है, तो वगैरह वगैरह चीज़ अपना करता है। जिसको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से करता है, अपने पसंद के हिसाब से। लेकिन कोई भी चीज़ अगर करना चाहिए तो लगन से कीजिए, मेहनत से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, तभी जा करके उसमें आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम नाम लिखा लिए और इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, डिग्री ले लिए, चलो कुछ सीखे चाहे नहीं सीखे उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो ऐसा कोर्स करने से कोई लाभ नहीं है। जहाँ आप जो चीज़ को कर रहे हैं, कंप्यूटर में जो भी चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं, सीखने का प्रयास करेंगे, उनको ईमानदारी से रुकिन पूर्वक जो पढ़ करके जाएंगे उसको सीखने का प्रयास करेंगे। जो आप ये चीज़ सीख लीजिएगा, यही चीज़ आप और कल जॉब भी होता है सरकारी में चाहे कहीं प्राइवेट में, जैसे अपने आकर जा करके देखिए बैंक में, तो बैंक में क्या होता है, सब कंप्यूटर से काम हो रहा है। पोस्ट ऑफिस में जाइए तो सब कंप्यूटर से काम हो रहा है। आपको कहीं हम लोग की ही संस्था है ITI, उसमें भी हर तरह के काम कंप्यूटर से हो रहा है। किसी को अगर सरकार को सर्वे भेजना है वो हमको भेजता है, तो ऑनलाइन माध्यम से भेजता है, तो सब कंप्यूटर का युग है। तो कंप्यूटर हर जगह कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, और कंप्यूटर सीखने से आपको दुनिया का हर चीज में रास्ता आसान हो जाएगा। आगे जॉब भी अगर सरकारी होती है तो आपको अगर परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा, रास्ता आसान हो जाएगा, वहाँ से आप अच्छा से काम कर सकते हैं, किसी से हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं होगा, आपसे लोग हेल्प लेने आएगा। नहीं तो आज के ज़माना में क्या है, इसको जॉब हो गया, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, दूसरे आदमी से हेल्प लेता है, थोड़ा सा बताइए तो कैसे चलेगा, कितना दिन बताए, एक दिन बताएगा, दो दिन बताएगा, तीसरा दिन बताना छोड़ दे, उस समय आपको वक्त भी नहीं मिलेगा कि जो हम थोड़े कोर्स करें चाहे नहीं करें। आपके पास सबका भी काफ़ी पर्याप्त समय, इससे आप क्या कीजिए, कोर्स करके आगे के जो भी आपको प्लानिंग है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आप इस कोर्स करने के बाद आप कर सकते हैं, आगे अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। चूँकि भविष्य बनाना और बिगाड़ना लोग के खुद अपना हाथ में होता है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं आगे चल करके, तो आप किसी गार्जियन को ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। जब मैंने अपने माता पिता के चलते या भाई के चलते या किसी भी अड़ोस पड़ोस के चलते हम लोग या फैमिली के चलते हम लोग अच्छा जिंदगी नहीं दे सकते। ये अगर अच्छा बनते हैं ये आपकी उदारता है, और ख़राब बनते हैं कि आपकी उदारता, क्योंकि अच्छा बनने में एक आदमी की भूमिका खुद होता है और ख़राब बनने में भूमिका खुद होता है। लेकिन आजकल होता क्या है कि लोग एक दूसरे पर ब्लेम लगा देता है कि हम उस आदमी के चलते नहीं पढ़े, इस आदमी के चलते नहीं पढ़े, ये सब बेकार की बात है, फालतू की बात है। दुनिया में हर आदमी के लिए 24 घंटा समय भी मिला है, और सबको भगवान उतना ही ब्रेन दिया है, तो बस शर्तें हैं क्या जो लोग अपना अपना ब्रेन को इस्तेमाल कितना करता है। जितना आप इस्तेमाल कीजिएगा उस हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। देखिए अगर ब्रेन का 2-2.5% इस्तेमाल करता है तो IAS बन जाता है, 1% इस्तेमाल करता है 1-1.5%, तो जनरल कंपटीशन का कोई भी चीज़ में आप सिलेक्शन हो सकते हैं। 3% आप इस्तेमाल किया था तो आइंस्टीन जो था कितना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करना सीखिए। दिमाग छोटा है लेकिन हम लोग अफवाह में इधर उधर की बात लेकर के दिमाग में कचरा को भर लेते हैं और अच्छी बात को नहीं रखते हैं। इसलिए कचरा पर इधर उधर गलत चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, हमको शांति से अच्छा से इस चीज़ को काम को करते हैं, सही दिशा में ध्यान देना है और सही दिशा समय का उपयोग करना है, तब हम लोग क्या करेंगे अच्छा बनेंगे। जब हम अच्छा बनेंगे समाज अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा तो मेरा परिवार घर सब अच्छा बनेगा, हम लोग विकास की ओर बढ़ेंगे, आने वाला पीढ़ी भी आपको उसी तरह से आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज जिसका परिवार पढ़ा लिखा नहीं है उसको देखिए, आज वह किसी दूसरे से हेल्प मांगे, देखा तो हमारा बेटा कभी पढ़ लगता किस तरह का नहीं बच्चा। एक छोटा बच्चा अगर घर में जन्म लेता है उसको आपको अगर शिक्षा है आपके पास, तो छोटा से जब तक वह कुछ बड़ा होता है किशोरी अवस्था तक होता है, उसको अपने आप शिक्षा दे सकते हैं, अपने भी दे सकते हैं और अलग से भी दिलवा सकते हैं, तो दोनों तरह से कम ये समय बाद ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो ये सब चीज़ है।
ये नहीं जब पढ़ाई करके ही जॉब लेना ही पढ़ाई है, जॉब तो आप खुद मिल जाएगा जब उस लाइन बनिएगा, तो जॉब तो आपको बहुत सारा खुद मिलेगा, प्राइवेट हो सरकारी हो चाहे किसी भी तरह का, लेकिन पहले उस लाइन बनिए तो।